फ्रेंड्स, क्रिप्टो के अंदर लोग, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे लूप होल्स को छोड़ देते हैं, यानी कि वो एरिया जहां पे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और उनको पता है कमा सकते हैं, लेकिन स्टिल उसको वो इग्नोर कर देते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स एयर ड्रॉप की। 2020 के एंड के अंदर, दिसंबर के एंड के अंदर, मुझको अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था इन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स जरूर कर लेना, बिकॉज इनके बड़े बड़े एयर ड्रॉप आप लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। उनमें से एक का नाम था ओपन ओशियन, जिन्होंने अपना खुद का टोकन लॉन्च किया और एक बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट एयर ड्रॉप दिया, जिसके अंदर लोगों ने 2, 5, 10 हज़ार डॉलर भी कमाए। एक लाइव सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था DYDX के ऊपर। DYDX ने अभी अभी टोकन लॉन्च किया और लोगों ने वहां पे $10,000 से लेके $50,000, इनफैक्ट कुछ लोगों ने जिनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री वहां पे ज्यादा थी, $1,00,000 के एयर ड्रॉप को भी कमाया है। ऐसे ही यूनिस्वैप के ऊपर एयर ड्रॉप हुआ उनके टोकन का, ऐसे ही एयर ड्रॉप हुआ था, पहले शुरुआत के अंदर हम बात करें तो रारी टोकन काफी लोगों को मिले थे, ऐसे ही 1 इंच के टोकन मिले 1 इंच एक्सचेंज के ऊपर। ये एयर ड्रॉप देने का सबसे बड़ा एम क्या होता है और क्यों देते हैं और कौन से एक्सचेंज होते हैं जो कि एयर ड्रॉप देते हैं, मैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। हम बात करें अगर मेटामास्क की, फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी आप एक ट्रांजेक्शन करते हो यूनिस्वैप के ऊपर तो एक फीस कलेक्ट होती है। ये फीस बहुत ज्यादा कलेक्ट होके यूनिस्वैप, मेटामास्क इनके अंदर बढ़ जाती है, इन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज अगर हम बात करें तो। ऐसे प्रोजेक्ट जिनके खुद के टोकन नहीं आए होते, आने वाले वक्त के अंदर होने के चांस होते हैं कि जब वो टोकन लेके आएंगे वो पूरी मार्केट को एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप देंगे, जिसकी वजह से उनके टोकन के ऊपर सुपर डुपर हाइप हो जाएगी। अगर हम DYDX की बात करें, एक साथ वो नियरली सभी टॉप एक्सचेंजेस के ऊपर एक साथ लिस्ट हुआ और उसने सुपर डुपर हाइप करी, लोगों को 1,000 टोकन से लेके 10,000 टोकन मिले। एक टोकन की वैल्यू है लगभग $10 की, तो लोगों ने वो जो $10,000 $50,000 कमाए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक दो ट्रांजेक्शन करी थी, $1,000 से ऊपर की उनको ट्रांजेक्शन करनी थी उनके एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि आप ये नहीं है कि $1,000 उनको दे रहे हो, आपको एक ट्रांजेक्शन करनी है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर करते वक्त आपके शायद $50 $70 $80 फीस में रह जाते हैं। ये जो फीस है ये कलेक्ट करते हैं ये ऐसे एक्सचेंजेस, और जब अपना नाम करना होता है यही फीस आप कह सकते हो ऑडियंस के अंदर रिटर्न बैक करते हैं एंड बहुत सुपर हाइप के साथ मार्केट में अपने टोकन, अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं वो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आज भी ये एयर ड्रॉप हो सकते हैं, इनको मिस मत करो। इनमें से कुछ वही 2020 की वीडियो के अंदर मैंने बोला था, उन्हीं को मैं आपको यहां पे दोबारा बताने वाला हूं। रीजन बीइंग, इतनी हाई ट्रांजेक्शन हो रही है, इतने ज्यादा आप कह सकते हो फीस कलेक्ट हो रही है कि आज तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मिस मत करिएगा। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने खुद 10 अकाउंट से उसकी ट्रांजेक्शन करी है, जिसके ऊपर मैंने काफी कुछ पैसे भी खर्चे हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मेरे NFT ग्रुप की बात करूं तो सब के सब वहां पे 5-10 ग्रुप के ऊपर वहां पे भी एंट्री ले चुके हैं, जैसे उन्होंने DYDX के ऊपर ली थी, और $50,000 भी बहुत सारे लोगों ने उधर कमाए। तो इस मौके को मिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा पैसा लग सकता है, यस वेटिंग होल्डिंग पीरियड लंबा हो सकता है, लेकिन चांस बहुत ज्यादा है कि इनके खुद के टोकन, इनके गवर्नेंस टोकन मार्केट में जरूर आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फीस कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हाइप है इन प्रोजेक्ट्स की मार्केट के अंदर। टोकन अभी तक मार्केट में नहीं है, जब टोकन आएगा एयर ड्रॉप साथ में आएगा और बहुत ज्यादा पैसे देकर जाएगा, ऐसी मेरे को काफी उम्मीदें हैं। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, बिकॉज देखिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, बार बार बिटकॉइन ऊपर नीचे की बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं कुछ अलग करूं, ऐसा करूं जिससे कम्युनिटी रोज पैसा कमा पाए, कम्युनिटी ट्रेंड के साथ पैसा कमा पाए, कम्युनिटी ऑल्ट कॉइन का जब सीजन है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर, जब कुछ नहीं चल रहा तो बिटकॉइन के थ्रू, उसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को हर जरिए से पैसा कमाने की हेल्प कर पाऊं। बस चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, लाइक्स, कमेंट्स, ताकि YouTube को भी पता चले हमारे चैनल को लोग पसंद करते हैं और YouTube भी आगे इस चैनल को और ज्यादा लोगों तक दिखाना शुरू करे। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लाइक एंड कमेंट करें बिना आगे मत बढ़िएगा। हाँ तो फ्रेंड, ये थी दिसंबर 29th ऑफ दिसंबर को वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, जिसमें ओपन ओशियन के बारे में मैंने आपको बोला था, इसको मिस मत करिएगा, जैपर के बारे में बताया था और मैंने आपको कुछ और भी एक्सचेंजेस के बारे में बताया था, और थोड़े टाइम बाद मैंने आपको DYDX के बारे में बताया था और 1 इंच के बारे में भी हमने बातें करी थी, और हमने मुर ऑल के बारे में भी लाइव सेशंस में बात करी थी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को एयर ड्रॉप टोकन मिले। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फिलहाल अगर हम बात करें तो DYDX ने फिलहाल $1,00,000 तक के टोकन भी लोगों को दिए हैं, मोस्ट एक्टिव यूजर्स को दिए हैं, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जिनकी हाइएस्ट थी
और अभी ये सारे एक्सचेंजेस के ऊपर एकदम लिस्ट हो गया। मैंने आपको बताया उसका रीज़न ये है कि इन एक्सचेंजेस ने बहुत सारी फीस कलेक्ट की होती है, इनके कोई गवर्नेंस टोकन नहीं होते। अब जब वो टोकन लेके आते हैं मार्केट में तो अपने यूजर्स को एयर ड्रॉप देते हैं। नंबर वन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मिस कोई भी मत करना, बिकॉज यहाँ आपको मौका मिल सकता है $10,000, $5,000 से लेके मैं कहूँगा $50,000 का भी एयर ड्रॉप हो सकता है, वो है ओपन सी का। ओपन सी के ऊपर हम लोगों को पता है कि ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे NFT को बाय सेल किया जाता है, और सबसे बड़ा NFT का मार्केट प्लेस है जहाँ पे लाखों डॉलर्स की NFTs बिकती है, सेल होती है, बाय होती है, और रोज़ के हज़ारों यहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं अपनी NFTs को अपलोड करते हैं, बाय सेल करने पे लगाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नंबर वन ट्रांजेक्शन चल रही है ओपन सी की, अगर हम ईथर स्कैन के ऊपर बात करें हाइएस्ट फीस कलेक्शन कर रही है, और ओपन सी का मार्केट में अभी कोई टोकन नहीं है। मैंने पर्सनली क्या किया है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, जिसके ऊपर आपके थोड़े पैसे लगेंगे। गारंटी ये नहीं है कि आज ही इनका टोकन आ जाएगा, हो सकता है इनका टोकन एक साल के बाद आए, हो सकता है इनका टोकन एक महीने के अंदर आए, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की एक कंडीशन होती है। तो मैंने इनकी कंडीशन को ये सोचा कि इनकी कंडीशन हो सकती है 2020 की, मैंने वीडियो में भी बताया था, इसके ऊपर एक आप एंट्री ज़रूर कर लो, एक NFT को ज़रूर बाय कर लो। तो मैंने इनकी एक NFT को बाय किया सबसे पहले, और उसी के बाद मैंने एक NFT को उसको सेल भी किया। अगर मैं जाता हूं अपने प्रोफाइल के अंदर तो आप देखेंगे ये एक NFT है जिसको मैंने बाय करा $0.14 के आसपास का, मैंने इसको बाय किया था इस NFT को, ईथर का 0.14 ईथर का मैंने इसको बाय किया। मैंने पॉकेट से यस पैसे लगाए। अब आप कहेंगे यार पैसे इतने सारे क्यों लगा दिए पॉकेट से, $500? यस मैंने लगाए, मैं चाहता मैं सस्ती भी ले सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी सी हैवी ली 0.14 वाली, क्योंकि मैं ऐसा भी क्राइटेरिया हो सकता है कि वो जो NFT है वो $100 से ऊपर की होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्राइटेरिया के अंदर पास हो जाऊँ और मेरे को वो एयर ड्रॉप मिल पाए। जैसे कि DYDX के अंदर अगर आपको एयर ड्रॉप लेना था तो आपको $1,000 की आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम इकट्ठी करनी ज़रूरी थी, अगर आपने वो करी तो आपको $1,000 मिले, यानी कि $10,000 मिले। आपने $1,000 की ट्रांजेक्शन करी है, आपने दिए नहीं है, आपका $1,000 का आपने समझ लो USDT खरीदा, तो वो USDT वहीं का वहीं पड़ा, सिर्फ आपने $40 फीस दी होगी। अब मैंने ये जब NFT खरीदी, मेरे को इस NFT को खरीदने में लगे जो पैसे लगे उसकी वर्थ 0.14 ईथर, और प्लस मैंने उसके ऊपर फीस दी लगभग $50 की। इसके बाद मैंने एक और कंडीशन को पूरा किया, वो है मैंने इसी NFT को सेल पे लगाया, और सेल पे लगाया 0.141 ईथर के ऊपर, और मैंने उसको अपने दूसरे अकाउंट से बाय कर लिया, यानी कि मैंने पहले अकाउंट के अंदर एक NFT को बाय कर लिया, सेल कर लिया, और उसकी ट्रांजैक्शन फीस ओपन सी को दे दी, जिसके अंदर मेरे लगे लगभग अगर मैं बात करूँ तो $150 एक अकाउंट के अंदर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के। यही प्रोसेस को मैंने लगातार 10 सीक्वेंस में पूरा किया, यानी कि इसी अकाउंट से इसी NFT को मैंने बाय किया, इसको मैंने सेल किया, इसी को फिर मैंने बाय किया दूसरे अकाउंट से, फिर मैंने इसको सेल किया तीसरे अकाउंट से, फिर तीसरे अकाउंट से इसको बाय किया, फोर्थ अकाउंट में इसको सेल किया। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर आप देखेंगे तो अब मैंने इसको सेल प्राइस पर लगाया 1 ईथर का, ताकि अगर कोई अब लेता है इसको तो वो ले सकता है इसको 1 ईथर के ऊपर, डज नॉट मैटर टू मी। लेकिन मैंने इसकी एक ट्रांजैक्शन बाय और सेल दोनों कर दी ओपन सी के ऊपर। मैंने 2020 में आपको बोला था इसको कंप्लीट कर लेना, अभी तक उसका एयर ड्रॉप नहीं आया है, लेकिन अब ये सुपर डुपर हाइप होता जा रहा है ओपन सी, और ज़्यादा हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, क्या पता 2 साल के अंदर, क्या पता महीने भर के अंदर इनका गवर्नेंस टोकन मार्केट में आ जाए, जिसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है। इसको मत भूलिएगा, मत इग्नोर करिएगा, लाइफ बदलने वाला एयर ड्रॉप हो सकता है ओपन सी का। सेकंड एयर ड्रॉप की अगर हम बात करें तो वो है मेटामास्क। आप लोगों को बता दूं मैं डिफरेंट वीडियोस भी इसीलिए बनाता हूं क्योंकि डिफरेंट करने से पैसा ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, बनने के चांसेस होते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे हमारा रीसेंट टोकन, हमने बात करी मोबॉक्स, वो लिस्ट हो गया, हमने बात करी वैक्स टोकन की, वो लिस्ट हो गया बनाएंस के ऊपर, हमने बात करी गाला टोकन जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा होगा, वो भी बनाएंस के ऊपर आके लिस्ट हो गया। तो थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस होंगे। हमेशा कह रहे हैं भेड़ चाल में ना जाके अपना रास्ता खुद बनाया जाए, तो वही अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सकता है। सेकेंड एयर ड्रॉप जिसकी मैं बात करूँगा वो है मेटामास्क का। मेटामास्क मैं मानता हूँ आप में से सभी लोगों के पास होगा, मेटामास्क में आप सभी लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी होगी, यानी कि यूनिस्वैप के ऊपर अगर आपने बाय करा है, या पैन के, या बेकरी स्वैप के ऊपर अगर आपने मेटामास्क का यूज़ किया है, उसके ऊपर 2-4-5 ट्रांजैक्शन कर लो, बिकॉज इसका एयर ड्रॉप भी किसी के एयर ड्रॉप से कम नहीं होगा। अगर इन्होंने डिसाइड किया
कि हम अपना गवर्नेंस टोकन लेके आ रहे हैं, बिकॉज मेटामास सबसे पुराना हो चुका है और मेरे हिसाब से हर क्रिप्टो यूजर जो कि ट्रेडिंग करता है डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स में सिवाय बाइनेंस के कारण, अगर हम छोड़ दें वो, अगर अच्छे टोकन्स जिनके ऊपर अच्छा ग्रोथ रेट लेना चाहता है तो वो उसको मेटामास यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसको मिस मत करना, अगर इनका एयर ड्रॉप आया तो धमाकेदार एयर ड्रॉप होगा। मैं कहूँगा $1,000-$2,000 की ट्रांजेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल अपने, मैं कहूँगा 10-20 वॉलेट से इनफैक्ट मैं मेटामास में ट्रांजेक्शन ज़रूर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं मेटामास का यूज़ लगातार बेसिस पे वैसे भी करता ही हूँ। अब मैं बात करता हूँ थर्ड की, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका नाम है ज़ैपर। ज़ैपर भी एक एक्सचेंज है, जैसे कि DYDX है वैसे ही ज़ैपर भी है। ऐसे ही एक एक्सचेंज है, उसका नाम है DFYN। ये भी मार्केट में ऐसे ही आया, इसका टोकन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे ही DYDX आया था, अब ऐसा ही है ज़ैपर, जिनके ऊपर मैं कहूँगा आप एक्सचेंज के ऊपर जाके आप स्वैपिंग को यूज़ करो, यानी कि अगर आपका ईथर है ईथर से USDT को बाय कर लो, देन USDT से दोबारा उस ईथर को बाय कर लो। आपका इस ट्रांजेक्शन को करने में शायद हो सकता है लगभग $15 लग जाएंगे। ऐसी 5-4 ट्रांजेक्शन कर लो, बिकॉज कंडीशन हो सकती है कि आपने कम से कम 5 स्वैप किया होना चाहिए और उसके अंदर वॉल्यूम आपकी $1,000 से ऊपर की है, $2,000 से ऊपर की होनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आप ज़ैपर को भी मिस मत करिएगा। सिमिलर फोर्थ एंड फाइनल वन अगर मैं बात करूँ, उसका नाम है पैरास्वैप। अगर हम पैरास्वैप की बात करें तो पैरास्वैप भी अभी तक अपना टोकन नहीं लेके आया है। पैरास्वैप के ऊपर भी अपनी करीबन 4-5 ट्रांजेक्शन्स ज़रूर कर लेना, बिकॉज अगर आप ये 4-5 ट्रांजेक्शन कर लेते हो, $1,000-$2,000 की ट्रांजेक्शन कर लेते हो, इनका टोकन भी मार्केट में आ सकता है और हमारे को अगेन एक $5,000-$2,000-$10,000 का एयर ड्रॉप भी देके जा सकता है। ये 4 एयर ड्रॉप है जिनको बिल्कुल भी मिस मत करना, इग्नोर मत करना। एक वॉलेट से कर सकते हो तो एक से कर लेना, बिकॉज मेरे अगर NFT ग्रुप की बात करूँ वहाँ पे लोगों ने 10-10 वॉलेट से करे हैं, OpenSea के भी DYDX के भी करे थे, तो वहाँ पे तभी लोगों ने वहाँ पे $50,000 $70,000 $1,00,000 भी कमाए DYDX से। तो आपको अब अभी अपॉर्चुनिटी जो बीत गया उसको अगर हम भूल जाए और आगे बढ़े तो OpenSea के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है और सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। इसको मिस मत करिएगा, बाय सेल की कंडीशन को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप कोई NFT छोटी मोटी होल्ड करके भी रख सकते हो तो वो भी कर लीजिएगा OpenSea के ऊपर, बिकॉज इसका टोकन आना मेरे को लगता है बहुत कंपल्सरी है आने वाले वक्त के अंदर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यादगार वीडियो बन जाएगी आने वाले वक्त के अंदर। बेशक अगर आप 10 वॉलेट से करते हो ये ट्रांजेक्शन तो आपके $1,500 लग सकते हैं, लेकिन वो आपको देके जा सकते हैं $1,50,000 तक भी इन रिटर्न। टाइम पीरियड नो वन नोज, टोकन लाएंगे भी नहीं लाएंगे नो वन नोज, बट स्टिल रिस्क है तो इश्क है और चांसेस यहाँ पे है, ये हो सकता है 100x की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं $150 लगा के $1,50,000 भी बना गया तो इट इज़ 100x प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है। तो अगर आप एक वॉलेट से अफोर्ड कर सकते हो $150 लगा के $15,000 कमाने का रिस्क लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। अच्छा चांस है यहाँ पे पैसा कमाने का एयर ड्रॉप के अंदर, अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट ज़रूर करके रखिएगा। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट एज वेल ऑन योर ओपिनियन अबाउट दीज एयर ड्रॉप्स। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।